नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ, मैं दीपेश बरगले। क्या आप अपने घर पर गोबर का पेंट करवाना चाहेंगे? हम ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब सरकार गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की तैयारी में है। इस पर कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये संभव हो कैसे पा रहा है। एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जिससे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बड़ा आविष्कार कहीं ना कहीं सरकार करने जा रही है। जवाब तलाशेंगे, पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर से सरकार प्राकृतिक पेंट बनवाएगी। इसके लिए गांव के गोठानों में प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और जयपुर के कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट आगे आए। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग इन संस्थानों के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करता नजर आया। गोधन न्याय योजना के लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज से हम एक और बड़े काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इस गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए के आय होने के अनुमान है। इस काम की शुरुआत 75 गौठान से की जा रही है। प्राकृतिक पेंट की तकनीकी हस्तांतरण के लिए आज गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच एमयू हो रहा है। प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए मुख्य घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यानी कि CMC गोबर से प्राप्त होता है। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा CMC बनता है। प्राकृतिक पेंट की मात्रा में 30% भाग CMC का होता है। 500 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए लगभग 30 किलो सूखा CMC चाहिए होता है। इसके अलावा गौठान में प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं, श्रमिकों और युवाओं को कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जयपुर के इस प्लांट में गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण का काम जुलाई 2021 से होता आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया था। चयनित किए गए गठनों में कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण इकाई एवं पेंट निर्माण की इकाई के लिए पहल शुरू कर दी गई है। इन इकाइयों से प्रतिदिन 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा। पहले चरण में प्रतिवर्ष 37.50 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने की संभावना है। इस समय प्राकृतिक पेंट की कीमत GST को छोड़कर 120 रुपये प्रति लीटर है। प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए गौठान से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं और गाँव के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2020 में गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की थी। इसके तहत सरकार 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदती है। अब गोबर से पेंट बनाकर सरकार गोठान से जुड़ी हुई करीब 1,85,000 पशुपालकों को सीधा फायदा पहुँचाने की तैयारी में जुटी है। टीम न्यूज स्टे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये फैसला हुआ है, एक बड़ा कदम प्रदेश सरकार उठाने जा रही है। इसका कितना लाभ होगा, इससे क्या कोई हानि भी हो सकती है, ये तमाम पहलू हैं जिन पर चर्चा करना हम आज करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। BJP की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज डॉक्टर साहब आपसे ही समझना चाहूँगा, ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार आज जब ले चुकी है और MOU भी इसको लेकर साइन हुआ है, कितना बड़ा फायदा आप इससे देखते हैं ग्रामीण परिदृश्य में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में? सवाल पूछा है ये। मैं तो इस फैसले को बहुत बहुत शानदार फैसला मानता हूं, क्योंकि ये ना केवल छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ाएगा, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा, एक बात। दूसरा, इसका जो बहुत महत्वपूर्ण फायदा है वो कहीं ना कहीं गायों को पालने के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाएगा। और आप जानते हैं कि आजकल जो घरों में पेंट होता है वो पेंट कहीं ना सिंथेटिक होता है।
और सिंथेटिक पेंट से जो रेडिएशंस निकलते हैं दीवारों से, कहीं ना कहीं वो बड़े हार्मफुल होते हैं। और अगर ऑर्गेनिक पेंट अगर आ जाएगा बाजार में, क्योंकि इसके ऊपर भी आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी कंपनियां प्रचार करती हैं कि इससे रेडिएशन नहीं निकलते हैं, ये हार्मफुल नहीं है, तो अगर ऑर्गेनिक पेंट अगर आना शुरू हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण और मानव जाति के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। यानी कि अगर ये बशर्ते स्कीम सक्सेस हो जाए और ये गौठान है, गौठानों का भविष्य भी सुधर जाएगा, लोकल के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ ने एक अपने अलग प्रकार का एक प्रयोग शुरू किया है। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो 75 गौठान सेंटर्स लिए गए हैं उनको मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही अच्छा होना चाहिए जितनी अच्छी ये योजना है। ये योजना पर्यावरण की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएं, धार्मिक अगर दृष्टि से देखें तो गाय पालना यानी कि गोधन को पालना बड़ा शुभ माना जाता है। और आज पूरा देश कहीं ना कहीं, चूंकि हम जानते हैं कि देश के अंदर एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली सरकार है तो उसने गाय को महत्व दिया है, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार होने के बाद जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं सरकार को। और ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा सबक होगा इससे, क्योंकि भाजपा मेनली जो इश्यूज उठाती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं इश्यूज को ज्यादा हाईलाइट करती है जिसके पीछे उनकी आइडियोलॉजी जुड़ा हुआ व्यक्ति उनकी तरफ मूव कर जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ स्टेप ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं धार्मिकता या हिंदुत्व की, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ ले जाते हैं, ये उसको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन अब इसका जवाब मैं राजीव जी से लूंगा, चूंकि राजनीतिक मसलों की प्रतिक्रिया राजीव जी से लूंगा। इसके साथ साथ एक और आपसे सवाल यही रहेगा, वो सवाल ये है सर कि क्या आपको लगता है कि इससे जो आज के समय में हम बाजार से महंगे कलर खरीद रहे हैं अपने घरों को रोशन करने के लिए, उनको पेंट करने के लिए, उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी हमको? अगर प्राकृतिक तौर पर अगर हम ये पेंट तैयार कर रखे हैं, 2 रुपये किलो के लिहाज से हम गोबर खरीद रखे हैं, उससे अगर हम पेंट बना रखे हैं तो शायद वो और सस्ता होगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। जी जी जी, सिंथेटिक जो चीज बनती है वो एज कंपेयर ऑफ ऑर्गेनिक थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि ये बल्क में बनती है। इसका बड़ा एक मार्केट है, ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में मार्केट है। और वो मार्केटिंग जो कंपनीज है वो पूरी तरह से देश में फैली हुई है, तो उनको टक्कर देना एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि लोग, आप देखते हैं कि बड़े कई जो जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, सिक्किम को आप ले लें, सिक्किम में ज्यादा चीज ऑर्गेनिक है और वहां के लोगों की आदत भी बन गई ऑर्गेनिक लेने की। ऑर्गेनिक जितनी प्रोडक्ट है, फ्रूट्स हैं, उनको सब लेते हैं, जितनी खेती है वहां सब ऑर्गेनिक हो रही है। यानी कि हम जैसे लोगों को ढालें, लोग ढलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, किसान तो ज्यादा चीजें ऑर्गेनिक खा ही रहा है, अगर हम लोगों को भी, शहरों में बैठे लोगों को ऑर्गेनिक चीजें अगर किसान के मार्फत से मिल जाएंगी तो ये इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी। लेकिन ये पक्की बात है, मेरा जो एनालिसिस है उसके तहत ये एज कंपेयर ऑफ सिंथेटिक पेंट ये थोड़ा सा महंगा होना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर बल्क में बनाना शुरू करेंगे तो उस पर शायद ये दामों में कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अपने आप में है, क्योंकि अभी तक भी हम देखते हैं कि अगर हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर रखे हैं तो थोड़ी महंगी जरूर पड़ती है, लेकिन सेहत के लिहाज से वे अच्छी होती है, और यही वजह है कि डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अब ये माना जाए कि गाय और गोबर की जो सियासत है बीजेपी की, उस पर पानी फिर गया एक बार फिर? क्यों पानी फिरा है? कोई पानी की बात, ये तो एक गोबर घोटाला जो चल रहा है। देखिए, एक औसतन गाय एक दिन में 10 लीटर, अब अगर आप योजना की, दो पहलू है, पहला एक गाय एक दिन में 10 लीटर गोबर देती है औसतन, अगर उससे किलो से देती है, मैंने सुना दूध देती है लीटर से। हाँ, दूध और किलो सब मैं बता रहा हूँ, तो 10 किलो गोबर होता है। छत्तीसगढ़ में तो विश्व की डिमांड पर है इनकी जो गौठान, हालांकि गौठान खाली पड़े हैं, वो मृतगा बन गए हैं, और जितने गौठान की जो गायें हैं वो सड़कों पे हैं, चाहे बेमेतरा तरफ चले जाइए, सरगुजा तरफ चले, किसी भी और चले जाइए, तो गौठान में गौ नहीं है, गौ माताएं जो है वो सड़कों पर है और ट्रकों के तले कुचली जा रही है, मर रही है, कुमारी में हो या कहीं पर, अब तो देख क्या है। हाँ, ये जैसा चारा घोटाला एक बड़ा घोटाला था, सर विपक्ष इसको उजागर क्यों नहीं कर पा रहा? अगर इतना बड़ा घोटाला आपकी आंख के सामने चल रहा है तो इसे विपक्ष उजागर क्यों नहीं कर पा रहा? कहां कमी रह रही सर आप लोगों में? अरे हम तो कर रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे पिछले दिनों,
कि गोबर तो प्रमाण नहीं थे ना सर उसमें? नहीं प्रमाण थे, प्रमाण थे, आपके संवाददाता भी आए थे, हमने उजागर किया। बैठिए साहब, अब तेल देखिए, तेल की धार देखिए, ये जो घोटालों की सरकार है इसके जो घोटाले दर पर निकलती जाएगी, एक पर विस्फोट होगा, देखते जाए, जनता भी जानती, गांव की जनता भी जानती, अपने लोगों को उपकृत करने के लिए जिस प्रकार से एक गाय 50 लीटर गोबर या 100 किलो गोबर दे रही है, गोठान खाली पड़े हैं, उसके चारा कहाँ जाने कोई हिसाब किताब नहीं है। और दूसरी बात, जो ये इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके पहले देखिएगा, रेत को भी दे दिया गया था सरपंचों को, वो रेत का घोटाला हो रहा है, 7 लाख रुपए एक एक रेत के मंगे जा रहे हैं। गडकरी साहब ने भी इस तरह की एक योजना का शिलान्यास किया था, उन्होंने भी उद्घाटन किया था, वहां पर भी गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू हुआ था, उन्होंने भी इस योजना की तारीफ की थी, उन्होंने भी इसको लेकर बात की थी, तो क्या वो भी सब यही इसी का नतीजा है? नहीं देखिए, अगर योजनाओं को लाया जाता है ईमानदारी से इंप्लीमेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। ये योजना जैसे एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार ने फूड पार्क का एमओयू किया था हमारे परम आदरणीय भूपेश बघेल जी ना, उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं है। बहुत सारे उन्होंने उद्योगों को लाया था गोठान से जोड़ने के लिए, गांव से जोड़ने के लिए। देखिए वो जो लॉन्चिंग होती है ना, जो लॉन्चिंग इवेंट होता है बड़ा शानदार लॉन्चिंग इवेंट होता है, अब बड़े प्रेसों को बुलाया जाता है, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे फूड पार्क खाली पड़ा हुआ, नया जिन्होंने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया था सीएसआईडीसी के माध्यम से वो खाली पड़ा हुआ है। तो मैं विपक्ष के नाते आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अगर पिछले 2.5 साल के एमओयू की आप 3 मिनट से कंटिन्यू आप इस पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लौट रहा हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ राजीव जी, लौट रहा हूँ, एक 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 कमेंट नितिन भैया से भी ले लेते हैं। नितिन बंसाली साहब, सवाल यही है कि क्या ये माना जाए एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी है? आर्थिक मोर्चे पर भी आप कहीं ना कहीं प्रदेश को सशक्त बनाने की तैयारी, और राजनीतिक मोर्चे पर भी कांग्रेस पार्टी को और सरकार को सशक्त बनाने की तैयारी? देखिए, धार्मिक, आर्थिक और रोजगार ग्रामीण अंचलों में लोगों को मिल सके, धर्म हमारा जीवित रहे, आर्थिक स्थिति ग्रामीण अंचलों की मजबूत हो, और हुई भी है इस योजना से। मैं आपको बता दूं दीपेश जी की 20 जुलाई 2020 को ये योजना शुरू की गई, तब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर जी ने इतनी मजाक उड़ाई थी इस योजना की, मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। आज देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति ने लोकसभा में इस योजना की प्रशंसा की और लोकसभा में ये कहा कि इस योजना को, इस तरह की योजनाओं को पूरे देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और उत्तर प्रदेश में योगी भी इस प्रकार की योजनाओं को ला रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने इसी प्रकार की एक योजना का शिलान्यास किया और उन्होंने कहा भी था कि इस तरीके के ऑर्गेनिक पेंट यदि बाजार में आते हैं गोबर से निर्मित तो ये काफी अच्छी बात है। आज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार का, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। इसके तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की सरकार की योजना है। यह एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग और नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के मध्य हुआ है। हाँ, इस योजना के तहत 2 रुपए किलो में राज्य सरकार जो गोबर खरीद रही है उसका वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। दिवाली के समय आप देखिए दिए और इस प्रकार की जो वस्तुएं थी ये भी गौठानों में बनाई गई, और 1,85,320 पशुपालकों को इस योजना से लाभ मिल रहा है, जिसमें 45% महिलाएं हैं। राज्य में अभी 7,714 गोठान सक्रिय है और 10,538 गोठानों की सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अब जिन लोगों को राजनीति में जिंदा रहना हो, ये तो सिर्फ भाजपा के लोग, मैं अभी लगातार प्रवचन सुन रहा था चक्रवर्ती जी का, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, ऐसा लगता है इनको तो संत महात्मा होना चाहिए जिस प्रकार का दे रहे थे ये। हमेशा मतलब चुनावों के समय भगवान श्री राम और गौ माता याद आती है, घोटालों की बात कर रहे थे, घोटाला जी भी लोगों को सोते उठते जागते हर जगह घोटाले दिखते हैं। भाजपा के शासन काल में जो इनके नेताओं को गौशालाएं जो चला रहे थे उसमें कितनी गाय मृत हुई थी, थोड़ा राजीव चक्रवर्ती जी को पूछिए कि एकड़ों में तो अंतिम संस्कार हुआ था गायों का और उसके चारे का पैसा भी इनके नेता खा गए थे। ये छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। तो इस प्रकार के कृत्य करने वाले, ठीक है नितिन जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है सर,
आप लोगों के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत अच्छी बात है एमओयू साइन हुआ है सर, एमओयू ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को लेकर साइन होते हैं, प्रदेश में निवेश को लेकर साइन होते हैं, लेकिन वो धरातल पर फिर दिखाई देते नहीं है। क्या ये धरातल पर नजर आएगा जल्द ही? इसको लेकर प्रशिक्षण की जो बात को रही है वो शुरू होगी, इसके बाद बैंड निर्माण का काम जल्दी शुरू होगा, इस पर क्या कोई काम होता दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरह से मैं बताऊं आपको, गोबर की खरीदी लगातार प्रदेश में हो रही है, तो हमें इसका उपयोग भी करना होगा। मैं तो आपको बताऊं दिपेश जी कि इससे बिजली उत्पादन की भी कार्य योजना बनाई जा रही है गोबर से, क्योंकि मैं आपको बताऊं सर 1980 के दशक में गोबर गैस प्लांट और बायोगैस के उसके संयंत्र पे भारत सरकार ने काम भी शुरू किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से या कोई वजह से वो काम उस समय रुक गया था, जिसको देखिए आज छत्तीसगढ़ की सरकार वर्ष 2021 में उस योजना को वापस उस तरह की योजनाएं लाकर इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता दूं इसके निर्माण के लिए महिला एवं स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा दिया जाए। 100% ये योजना धरातल पर आएगी और हम जैसा कि आर्थिक मोर्चों पर ग्रामीण अंचलों में लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, ये योजना कारगर और मील का पत्थर साबित होगी। ये आपकी बिल्कुल। अब इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है नितिन जी, अभी हमने देखा कि गोबर लगातार अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो उससे वर्मी कंपोस्ट महिला स्व सहायता समूह बना रही है, इसके साथ साथ दिए बनाने के भी काम हुए हैं, लेकिन जो मार्केट उपलब्ध होना चाहिए, जो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं उनको सही स्थान पर बेचा जाना चाहिए, उसमें अभी भी थोड़ी कमी है। अब अगर हम पेंट भी बना लेंगे, कलर भी बना लेंगे, लेकिन उसके लिए सही मार्केट अगर उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तब फिर एक बड़ी चुनौती नजर आती है सर, इसका करेंगे क्या? सिर्फ प्रोडक्शन पे ट्रेनिंग नहीं होगी, इसकी मार्केटिंग पे भी ट्रेनिंग होगी, अनुभवी लोगों को लोगों का इसमें उपयोग किया जाएगा और जनता को यह अवेयर किया जाएगा कि देखिए इस पेंट से, जैसे कि आपके ये केमिकल वाले पेंट आते हैं, इन पेंट पे और इस पेंट पे कितना फर्क है। आज देखिए देश के लोग जो है ऑर्गेनिक खेती की फसल जो कि वो अनाज भी खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक चीजें यूज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक पेंट भी यूज करेंगे, इससे हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, लोग सुरक्षित भी रहेंगे। लोगों को अवेयर करना होगा जो हम लगातार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर देखिएगा कि ये गोबर से जो पेंट बनाने की जो योजना है, जिस प्रकार केंद्र में लगातार हमें स्वच्छता के लिए भी पूरा देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर आया है, उसमें कहीं ना कहीं गौधन योजना भी शामिल है, क्योंकि इससे स्वच्छता भी, जो गोबर कहीं पर पड़े रहता था आज वो गोबर को एकत्रित करके ग्रामीण अंचलों के हमारे पशुपालक जो हैं वो इधर उधर ना फेंक के वो सरकार को भेज रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कम से कम इस मसले पर आप लोगों के लिहाज से केंद्र सरकार किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है, नहीं तो हमेशा आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, इस मसले पर तो नहीं लगा रहे सर, इस मसले पर तो आप लोग कम से कम आरोप नहीं लगा रहे। नितिन जी मैं लौट रहा हूँ सत्यप्रकाश सर से, एक महत्वपूर्ण इसी मसले पर सवाल रहेगा जो आपसे भी किया सर, बाजार उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अभी हमने देखा अगर स्व सहायता समूह ने दिए बनाए हैं तो लिमिटेड जो जहां मार्केट था लोकल या फिर जहां स्टॉल लगा सकती थी वहां लगाए और बेचे, जितने बिक सके बेचे, नहीं तो फिर आज भी उनके घरों में रखे हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाए जा रखे हैं उसका भी जहां स्टॉल लगाकर वो बेच सकती हैं वहां बेचा जा रहा है, बाकी आज भी घरों में रखा हुआ है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, इतने दिनों से अगर उन्हें पैसा नहीं मिल रहा था, अब जो भी बिक रहा है उससे आय तो हो रही है, मगर एक व्यापक स्तर पर जो बाजार होना चाहिए, जो उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उसके लिए कहीं कोई काम होना जरूरी है। जी 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 दीपेश जी, अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए कई हम योजनाएं तो बना लेते हैं, इनके पीछे दो बड़े सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है कि योजना का इंप्लीमेंटेशन जिस ताकत के साथ हमने बनाया है उसी ताकत के साथ होना चाहिए, उसी ईमानदारी के साथ होना चाहिए, एक बात। दूसरा सवाल आपने जो मार्केटिंग का कि हम मार्केट कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसका एग्जांपल हम खादी से दे सकते हैं। जैसे खादी है, खादी को मार्केट दिया, लेकिन खादी की जो सोसाइटीज हैं, जो समितियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज क्राइसिस में है, वो अपने एम्प्लॉय को अच्छी से तनख्वाह नहीं दे पाती है, उनका कपड़ा इतना महंगा बिकता है कि बाजार में जो कपड़ा उपलब्ध सिंथेटिक कपड़ा होता है उसको वो टक्कर नहीं दे पाते हैं। आप इसी से मान के चलिए कि खादी को, लेकिन हमने खादी को क्या किया कि खादी को देश से जुड़ा, देशभक्ति से जुड़ा, गांधी जी से जुड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से हमने खादी को जोड़ा, इसलिए ना केवल कोई एक पार्टी बल्कि ज्यादातर पार्टी के लीडर्स और जो देश को या देश को मानने वाले हैं या जो नेशनलिज्म को मानते हैं वो कहीं ना कहीं खादी को अपनाते हैं। ये कहीं ना कहीं शरीर के लिए भी लाभदायक होता है और ये कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना को भी बढ़ाता है या गांधीयन जो आइडियोलॉजी है उसको भी आगे ले जाता है। लेकिन
यहाँ पर अगर इसको वाकई धर्म से जोड़ा जाए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये गौ माता की हम यहाँ डिबेट में बात कर लें या बाहर बात कर लें, देखिए दशा पूरे देश में कहीं ना कहीं वो नहीं है जो सरकारें दावा करती हैं। क्योंकि हम रोड पर देखते हैं, अगर हम कहीं 50-100 किलोमीटर की यात्रा अगर हाईवे पर करते हैं तो कितनी सारी गाय आज भी आपको मरी मिल जाएंगी, और वो भी एक्सीडेंट में। आप बरसात में देखें ये संख्या और बढ़ती जाती है। अगर हम इस प्रकार से ये चीजों को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में गाय को पालने की भावना विकसित होगी, और अगर ये भावना विकसित होगी तो वो अपनी गाय को गोबर 2 रुपए किलो बेचने के लिए आगे भविष्य में और तेज बिकेगा उसको लेके वो घर में रखेगा, उसको पालेगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, ना कि उसको बाजार में छोड़ देगा या रोड पर छोड़ देगा या जंगल में छोड़ देगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी जो आपको एक चीज बहुत अच्छी बताऊं कि जितनी भी जो गौशालाएं बनी है वहां की हालात भी खराब है, वहां पर भी बड़ी अलग दशा की 5,000-5,000 गाय है, कैपेसिटी 2,000 की गाय है, 5,000-5,000 गाय है, और उन 5,000-5,000 गांव में हो क्या रहा है कि कई आपस में मर जाती है, बच्चे कुचल के मर जाते हैं, ये हालात तो वहां है। तो इसलिए अगर ऐसी स्कीम, ये जैसे कि अभी भंसाली जी ने एक बात कही थी, मैं इस बात को मैं भी कहना चाहता था कि जो एग्रीकल्चर अफेयर कमेटी थी लोकसभा में उसने वाकई रिकमेंड किया था बिल्कुल बिल्कुल कि सेंटर को भी इस प्रकार की स्कीम बनानी चाहिए। ये वाकई हाल ही में हमने कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुना था, महिलाओं के कार्यक्रम में जब वो संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा था कि हमें गाय के गोबर से किस तरह से आमदनी की जा सकती है इस पर विचार करना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। जी 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 दीपेश जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली देखो अच्छी बात चाहे वो भूपेश बघेल की हो या शिवराज की हो या किसी और चीफ मिनिस्टर की हो या किसी और सरकार की, हमेशा कहा जाना चाहिए, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण, धर्म, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इन सबको मजबूत करता है। लेकिन सवाल एक आता है, वो मैं फिर यहां भी कहना चाहेगा हूं कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, स्कीम का इंप्लीमेंटेशन किस मजबूती से किया जा रहा है, उसमें करप्शन की भूख कहीं नहीं आनी चाहिए। गौ माता के संरक्षण को धार्मिक भावना से जोड़ना चाहिए, ये सबसे तो बड़ी बात है। और नितिन जी से इसका एक जवाब लूंगा। नितिन जी, अगर बीजेपी लगातार इस मसले को लेकर उठा रही है, अगर बीजेपी लगातार इस सवाल को अब जन्म देती हुई नजर आती है, तब फिर कहीं ना कहीं समझा जाना चाहिए कि उस स्तर पर जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो बेहद माइक्रो लेवल पर होना चाहिए कि कहीं इसमें कहीं कोई खामी ना हो जाए, कहीं भ्रष्टाचार के सवाल ना खड़े होने लगे, कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए। नितिन जी, भ्रष्टाचार जीवी और घोटाला जीवियों को तो कहीं पर भी कमियां खोजनी होगी। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो जो अंधे हैं सावन के भ्रष्टाचार जीवी लोग हैं उनको हरा ही हरा नजर आएगा। 20 जुलाई 2020 से जिस दिन से ये योजना शुरू हुई उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भ्रष्टाचार में चले गए, सारे नेता भ्रष्टाचार में चले गए। हम धर्म, रोजगार, स्वच्छता, पर्यावरण और सुरक्षा से जोड़ रहे हैं इसको, इससे गौ माता का संरक्षण भी होगा और हम इनके जैसे वोट के लिए गौ माता या भगवान श्री राम का नाम नहीं लेते, हम सुरक्षा के लिए और जनता के लिए, धर्म के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ माता को सुरक्षित रखने के लिए ये योजना लाए हैं। और निश्चित तौर पर देखिएगा ये MOU मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ में गोबर से लागू कब तक सर बनेगा, लागू कब तक सर, जल्द आप ये भी सुनेंगे कि गोबर से बिजली भी बने। चलिए ठीक है, बिजली तो हमने सुना था, बहुत दिन पहले इसको लेकर चर्चा हुई थी, पेंट का भी हमने बहुत दिन पहले से आप सुन रहे थे, आज MOU साइन हुआ है, अब देखते हैं उसको लागू कब करते हैं। राजीव जी कुछ कह रहे थे, कहिए। हाँ देखिए, इसके पहले भी करीब 57 MOU साइन हुए हैं, उन MOU का कितना हश्र हुआ है। मैं निगेटिव के साथ करना कितने MOU हुए हैं, ये फूड मार्केट की MOU की बात किए थे। ठीक है सर, ठीक है सर, MOU को लेकर मैंने सवाल किया था राजीव जी, लेकिन लेकिन कभी कभी किसी किसी चीजों की तारीफ कर देनी चाहिए सर, अच्छा लगता है। खैर समय का भाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का सर, मैं इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहूंगा। मसला बेहद गंभीर था, अब इस पर काम होता दिखाई दे रहा है, कितना सफल होता है, कितना सफल होता है आने वाला वक्त बताएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।